बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए करेले की सब्ज़ी लेके आया हूं। कहते हैं ये कड़वे होते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगा कि ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, बहुत ही मज़ेदार होंगे और क्रिस्पी भी होंगे, नरम नरम से, पोपले से नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें कैसी होंगी आज मैं आपको रेसिपी में यही बताने वाला हूँ। तो आपने एक मिनट भी रेसिपी का स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है और इंशाल्लाह आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 पाव करेले और साथ मैंने लिए हैं 1/2 kg प्याज। बाकी चीज़ें रेसिपी के बीच में बताऊंगा, लेकिन यह ख़ास बात यह कि इन करेलों को मैंने अच्छे से धो के आधा घंटा नमक वाले पानी में रखा है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल, पहले हम करेलों को करेंगे फ्राई लाइट गोल्डन और बाकी रेसिपी बाद में आएगी। अब यहाँ पर ख़ास बात आपने जो बिल्कुल नहीं भूलनी, जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, मतलब बिल्कुल गर्म हो जाएगा, तब आपने इसके अंदर करेले ऐड करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर ठंडे में ये ऐड कर देंगे ना तो ये नरम से पड़ जाएंगे, एक पोपली सी इसमें एक फील आ जाएगी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बिल्कुल गर्म ऑयल के अंदर इसको डालेंगे और करेंगे इनको फ्राई। तो याद रखना है इस बात को, आपने नमक वाले पानी में इसको डालना, खाली नमक लगा के नहीं रखना, और इतना पानी हो कि ये उसमें डूब जाए और आधे घंटे बाद अच्छे से आपने इसको धो लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको फ्राई किया है तकरीबन 12 से 14 मिनट और देखें कितना खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। और ये आपने तेज़ आंच पे करना है, लाइट फ्लेम के ऊपर ये चीज़ नहीं आएगी जो हम चाह रहे हैं, क्योंकि हमने इनको क्रिस्पी करना है। तो बहुत अच्छे से ये हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको फैला के हम रख देंगे ओपन, ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। इसको आपने ढाम के नहीं रखना। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे क्रिस्पी से बन चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी का ऑयल जो यूज़ किया था वो अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर डालेंगे। और ये है हमारे पास 1/2 kg प्याज। करेलों का जो फ्लेवर होता है वो हल्की सी जो करवाहट रह जाएगी ना इतने काम करने के बाद भी, तो ये जो प्याज हैं इनमें एक हल्की सी स्वीटनेस होती है, आपको पता होगा। तो इन दोनों का कम्बिनेशन बहुत प्यारा होता है, मतलब लोग करेले पकाते हैं कीमे के साथ, गोश्त के साथ और दाल के साथ। तो आप भी ऐसे बनाते होंगे, अगर ऐसे नहीं बनाते तो आप ऐसे एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा। तो प्याज को यहाँ पे करेंगे फ्राई, कोई ये ले लेगा कोई 10 से 12 मिनट आपके। तो ये देखें जब ये हो जाए। अच्छा, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, हमारी एक व्यूअर हैं तो उन्होंने कहा था, रिक्वेस्ट करी थी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप दुआ करें कि उनकी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, तो अल्लाह उन्हें नेक औलाद दे और सेहत और ज़िंदगी वाली, तो आमीन कहिए इस पे। यहाँ पे 1 चम्मच भर के हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच जाएगा इसमें नमक का और 1/4 टेबल स्पून जाएगी हल्दी और एक चुटकी सी बस इसमें स्पाइसी करने के लिए कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देता हूं मैं, और इनको करेंगे मिक्स। ये देखें आप, प्याज की भी एक सब्ज़ी होती है, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द बताऊंगा, बहुत मज़े की बनती है। जैसे वो मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था ना, मसाले की साथ रोटी खाने का मज़ा आता है, तो ऐसे इसकी भी जो रेसिपी होती है बहुत अच्छी होती है। एक खूबसूरत सा टमाटर इसके अंदर डाल देंगे अभी, और याद रखिएगा टमाटर को हमने बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना, इसको थोड़ा सा हमने खड़ा खड़ा रखना है, इसलिए मसाला ऐड करने के बाद हमने टमाटर ऐड किया। और एक और बात, इसमें ना तो लहसुन जाएगा, ना अदरक जाएगी, ना इसमें खुश्क धनिया पाउडर जाएगा, ये चीज़ें आपने इसमें ऐड नहीं करनी। इस तरह से जो करेलों का अपना ओरिजिनल फ्लेवर होता है ना वो निकल के आता है। तो टमाटर को भी हमने 3 से 4 मिनट पका लिया है, और यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें कितने खूबसूरत हमारे करेले लग रहे हैं। चीज़ों की खूबसूरती पे पूरा ध्यान दिया करें, अगर आप इसको अच्छे से बनाएंगे तो यकीन करिए फ्लेवर टेस्ट भी तभी आएगा। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में जा से ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट जस्ट मसाले में मिक्स करने के बाद हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे, इनको मैंने कट लगा लिया, और इनको कर देंगे मिक्स। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपको लगे कि ये ड्राई हो रहे हैं तो हल्का फुल्का आप पानी मतलब ऐड कर सकते हैं, जस्ट हल्का सा।
वैसे इनको ज़रूरत नहीं। धनिया ऐड कर दिया मैंने इसमें, अब हम मैं इसको करूँगा मिक्स। और यहाँ पे माशाल्लाह से आप कलर देखें, लुक देखें, खुशबू, खुशबू तो बस आप फील कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को दिल से देख रहे हैं तो यकीन करिए आपको खुशबू आ रही होगी। हमारी तो पूरी स्टेट में ये खुशबू इस वक्त फैल चुकी है। तो अब ये देखें, ये डन है। अब हम इसको अपनी खूबसूरत सी प्लेट के अंदर निकालते हैं। वीडियो को लाइक करना हम इसलिए कहते हैं कि वो समझ ले हमारी हौसला अफजाई है या एक आउटपुट है जो हमें आपकी तरफ से मिलती है। तो फाइनल लुक की तरफ जाते हैं और देखते हैं डेकोरेट किया हुआ ये कैसे लगता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें मेरे अल्लाह की शान, जिसने नवाजा हमें अपनी रहमतों से और नेमतों से और बरकत दी हमारे खाने में, हमारे जायकों में। तो दोस्तों बेशक ही अल्लाह की शान है। आप खूबसूरती ढूंढा करें इन्हीं चीज़ों में, बहुत खूबसूरती है, बस ज़रूरत है आपके ध्यान की, आपके लगन की। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए कि करेले ये आपको कैसे लगे। वो आपका कमेंट आपकी मोहब्बत होती है और यकीन करिए मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अगली वीडियो तक इजाज़ को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।